हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि पेटीएम का शेयर लगातार गिर क्यों रहा है। पेटीएम का जो आईपीओ था वो 8 नवंबर को आया था और 10 नवंबर का क्लोज हो गया था। जो इसका इशू प्राइस था वो 2150 रुपये था, लेकिन आप पेटीएम लगातार देख रहे होंगे कि पेटीएम का शेयर कुछ महीनों में, एक दो महीनों में बहुत तेज़ी से जितना ये इशू प्राइस हुआ था उसका आधा हो चुका है। तो हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि पेटीएम का शेयर जो वो लगातार गिर क्यों रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेटीएम जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, हालांकि इसका लॉस कम होता जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से लॉस कम हो रहा है, 4-5 साल उसको लॉस कम करने में लग जाएंगे। बाकी इसका जो बड़े बड़े दिग्गज निवेशक हैं उनका कहना है कि ये 150 से 250 रुपये तक इसका जो शेयर प्राइस है वो जा सकता है। और दूसरा ये भी कारण बताया जा रहा है कि संस्थागत निवेशकों की जो लॉक इन अवधि है वो समाप्त हो गई है, जिसके कारण पेटीएम का शेयर पूरी तरह क्रैश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।